नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में विषय ग्रेड थ्योरी की पाठ्यचर्या में अंकित फैशन उप सहायक के बारे में आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूँ। वैसे हम लोग उसका परिचय जान लेते हैं कि ये फैशन उप सहायक क्या होता है। फैशन एक अतिरिक्त तत्व है जिसका प्रयोग हम गारमेंट की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करते हैं, ये किया जाता है। ये किसी भी ड्रेस के कमजोर हिस्से को छुपाने में मददगार होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा ये अतिरिक्त तत्व, जितने भी हम सामने आपको दिखा रहे हैं, ये सारे अतिरिक्त तत्व हैं जिन्हें हम फैशन एक्सेसरीज के रूप में प्रयोग में लाते हैं। चाहे वो बैग हो, चाहे वो आपका सैंडल हो, गॉगल्स हो, आपके मोबाइल हो, और चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, महिलाओं से संबंधित जितने भी मेकअप के सामान हैं, तो ये सारी चीजें हमारे अतिरिक्त तत्वों के रूप में फैशन उप सहायक में हम लोग प्रयोग करते हैं। और कहने का मतलब है यहाँ पर कि कमजोर हिस्से को छुपाने में भी मददगार होते हैं। वो कैसे? यदि हम कोई ड्रेस हमने एट ए टाइम निकाला और हमें पार्टी में जाना है, तो हमने पहले ध्यान नहीं दिया और एट ए टाइम में हमें पहनना था, तो हमने उसे निकाला तो देखा नेक लाइन बहुत बड़ा था, तो हमने तुरंत एक स्टॉल लिया और अपने जो है वहां पर गर्दन में कवर कर दिया उसको, तो हमें जो बड़ा नेक लाइन था वो आसानी से छूट गया और हम आराम से हमने पार्टी भी अटेंड कर ली और हमें जहाँ जाना था हम वहाँ पर हमारा काम भी हो गया। तो इस प्रकार से जो हमारे कोई भी ऐप है या कमजोर हिस्से को हमने छुपाया फैशन एक्सेसरीज की मदद से, जो हमारे एक्सेसरीज है जैसे भी हम यूज करते हैं अतिरिक्त तत्व के रूप में, तो हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा एक्सेसरीज प्रयोग में हम लाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये उप सहायक जो होते हैं इनके प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा हैट, दूसरा है हमारा हैंड बैग, उसके बाद है फुटवेयर, आई वेयर, ज्वेलरी, बेल्ट और स्कार्फ। ये हमारे उप सहायक के जो प्रकार हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किसी न किसी तरीके से प्रयोग में लाते हैं। इसके आगे हम आपको इसके बारे में डिटेल में बता दें कि ये जो फुटवेयर्स हैं, हैंडबैग्स हैं और आईवेयर है, ज्वेलरी, बेल्ट, ये सारी चीजें इनके डिफरेंट टाइप्स के आकार प्रकार मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, जिनको हम अपने प्रयोग में लाते हैं अपने फैशन के अकॉर्डिंग और अपने जो है जिस तरह की हमारी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम बताते हैं आपको डिटेल में इसके बारे में। हैट के बारे में हम आपको बताते हैं। हैट हमारा सबसे पहले है, ये सर पर पहनी जाती है जिसमें मौसम की स्थिति, धार्मिक कारण और सुरक्षा या एक फैशन उपसहायक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो है हमारे मौसम से संबंधित तो होती ही हैं, पर हम इन्हें धार्मिक कारणों की वजह से और अपने सुरक्षा से संबंधित भी प्रयोग में लेके आते हैं, जो हमारे लिए जरूरी होता है। ये उपसहायक हमारी सुरक्षा करते हैं और हम इनसे मौसम हो, चाहे वह किसी भी प्रयोजन के लिए हो, उसको यूज करते हैं अपने फैशन एक्सेसरीज के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो फैशन में सबसे पहले है हैट के प्रकार, उसके बारे में जानेंगे। हमारा सबसे पहले है काउबॉय हैट। यहाँ पर आप देख रहे हैं काउबॉय हैट, ये है, ये डिफरेंट टाइप्स की आती है और आजकल ये बहुत जो है फैशन के अकॉर्डिंग आने लगा है। इसमें बहुत सारे, चाहे वो फैब्रिक हो, चाहे जिस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ये जो काउबॉय हैट है, इसका नाम काउबॉय हैट इसलिए पड़ा कि जब पहले के जमाने में जो चरवाहे होते थे, वे धूप से बचने के लिए वे अपने सर को जो है जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं इनसे बचाने के लिए ये हैट का प्रयोग करते थे, तो ये इसका नाम इसीलिए काउबॉय हैट पड़ा। और ये आजकल फैशन के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं।
डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनके कलर भी मिल जाते हैं जो हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग हम उसको मैच करके या अपने फैशन के अनुसार इसको हम मार्केट से आराम से ले सकते हैं और पहन सकते हैं। दूसरा है हमारा हेलमेट। हेलमेट भी हमारा जो है हेड के प्रकार में आता है जिसमें हम अपने सुरक्षा से संबंधित जो है इसका विशेष रूप से प्रयोग में लाते हैं। जैसे यदि हम टू व्हीलर चला रहे हैं तो हमें हेलमेट की विशेष आवश्यकता पड़ती है जिससे हम अपने सर की प्रोटेक्शन करते हैं, किसी तरह से दुर्घटना से बच सकते हैं। तो यहाँ पर हेलमेट के डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट मटेरियल के जो है हेलमेट हम प्रयोग में लाते हैं। हेलमेट टू व्हीलर के साथ तो प्रयोग होता ही है, हेलमेट के अलग अलग प्रयोजन के अनुसार हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं जो है बिल्डिंग वगैरह बनती है तो वहां पर भी जो मजदूर होते हैं या जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं वो भी हेलमेट का प्रयोग करते हैं ताकि किसी प्रकार की जो दुर्घटना है उससे वो आसानी से बच सके और उन्हें जो है उनकी सुरक्षा हो सके। इसी प्रकार हेलमेट के प्रकार में हमारा जो है अगला हेलमेट भी आता है जो हम जैसे वेल्डिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं या हम पर्वतारोही आपने देखा होगा वे भी डिफरेंट टाइप के उनके अकॉर्डिंग हेलमेट होता है जो हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है या सर की सुरक्षा के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं हमारा अगला है पगड़ी। पगड़ी आपने देखा होगा जो है ये हमारे धार्मिक कारणों की वजह से भी पहनी जाती है जो मूलभूत से लोगों के द्वारा और इसे हम अब फैशन के रूप में ले आए हैं। जैसे कोई भी शादी होती है पार्टी होती है तो हम लोग जो है उसमें अधिकतर पगड़ी का प्रचलन हो गया है और वो ड्रेस के अकॉर्डिंग लोग जो है पुरुष लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं अपने ड्रेसअप के अकॉर्डिंग और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। उसमें अधिकतर क्या होता है इसमें लंबी एक जो है पगड़ी के नुमा आगे सेंटर में चुन्नटें पड़ी होती हैं और बाकी पीछे का जो बैक साइज है वो खुला हुआ कपड़े का एक टुकड़ा होता है जिसमें देखने में भी खूबसूरत लगता है। ये अधिकतर आपके कॉस्ट्यूम जैसे आपका कुर्ता पैजामा हुआ शेरवानी हुई इन सब चीजों में ज्यादा खूबसूरत लगता है। आगे बढ़ते हैं हम हमारा अगला है क्राउन। क्राउन आपने देखा होगा कि अधिकतर ये ताज की तरह क्राउन का मतलब होता है ताज, तो ताज की तरह का होता है ये हैट जिसमें अधिकतर जो आपने देखा फैशन शोज होते हैं या कोई ऐसा प्रतियोगिता होती है जिसमें क्राउन का प्रयोग किया जाता है और उसमें प्रथम द्वितीय जो भी विनर होते हैं उसमें क्राउन के प्रयोग होता है। और क्राउन भी या तो किसी प्रकार के मटेरियल का बना होता है या कीमती पत्थरों से जड़ित होता है तो ये सारे क्राउन में तो प्रयोग जो है फैशन के अकॉर्डिंग होता है या किसी प्रकार की प्रतियोगिता है या उसके विनर्स के अनुसार हम क्राउन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब फैशन प्रचलन के कारण यह क्राउन भी आजकल ड्रेसअप के अकॉर्डिंग लोग धारण करते हैं और इसका प्रयोग करते हैं एक्सेसरीज के रूप में। अगला है हमारा बिग। बिग से आपका मतलब होगा कि बिग जो हैट होती है ये हमारा बालों से भी संबंधित होती है और हैट भी होती है जिसमें ऑलरेडी जो है हेयर के स्टाइल होते हैं छोटे बड़े और हेयर स्टाइल होती है इसको हम आसानी से धारण कर सकते हैं जिससे हमारी हेयर स्टाइल भी बनी रहती है और हम हमारा जो ड्रेसअप है उसके अकॉर्डिंग और भी खूबसूरत लगता है हमारे हेयर स्टाइल के द्वारा। तो ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है आपके हेयर के अकॉर्डिंग आपके चॉइस के अकॉर्डिंग ये आपको आराम से उपलब्ध हो सकती है किसी भी बाजार से या किसी कॉस्ट्यूम शॉप से आप आसानी से ले सकते हैं इसको जो हमारे एक्सेसरीज के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अगला है हमारा हुड कैप। आपने हुड जो है देखा होगा ये भी एक प्रकार का जो है हैट होता है जो ऑलरेडी कपड़े में मतलब ये कपड़े में अटैच होता है और ऐसे सिंपल भी होता है लेकिन ये अधिकतर प्रोटेक्ट करता है हमारे चेहरे को हमारे जो है कानों को सर को ताकि हम ठंडी से बच सके और इससे ये देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा कहने का मतलब है जिस तरीके से हम लोग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में जो हम ड्रेस पहनते हैं उसका जो है उस ड्रेसेस में अधिकतर आपने देखा हुड कैप लगी होती है क्योंकि वो देखने में स्टाइलिश होती है और अच्छी भी लगती है तो इसका प्रयोग भी हम अपने फैशन के अकॉर्डिंग करते हैं क्योंकि ये बहुत स्मार्ट लुक देती है हुड कैप और इसका प्रयोग हम उसी तरह से एक्सेसरीज के रूप में अपने फैशन के अकॉर्डिंग और अपने सुविधा के अनुसार इसको प्रयोग में लाते हैं।
अगला है हमारा कैप मतलब टोपी। आपने देखा होगा टोपी का प्रचलन बहुत है, आप डिफरेंट टाइप्स की टोपी, चाहे वो कैप हो, चाहे जिस तरीके की, आपको ये क्या होता है, इसको धूप से बचने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अभी तक, और ये हमारे जो है आंखों को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे सीधे पड़ती हैं हमारी आंखों में इफेक्ट डालती हैं, तो उनके लिए हम ये कैप का अधिकतर यूज करते हैं, और ये गर्मियों के मौसम में चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे भी मार्केट में हम देखेंगे इसके बहुत सारे कलर और बहुत सारे वैरायटी मिल जाती है, जिसकी जो ड्रेसअप होती है वो अपने अनुसार उसको लेता है और अपने जो है अपने अनुसार उसको जो है तैयार होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर कैप का भी जो बहुत सारा प्रयोग करते हैं हम अपने फैशन के अकॉर्डिंग एक्सेसरीज के रूप में। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप्स के कैप भी हमने आपको दिखाए कि ये डिफरेंट टाइप्स के कैप हैं जिनमें हम महिलाओं के द्वारा भी और पुरुषों के द्वारा हम प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का ओकेजन हो, चाहे वह किसी भी धार्मिक कारण हो, चाहे वह हमारे सुरक्षा से संबंधित हो। तो हमने देखा कि यहाँ पे हेड पे कितने हमारे प्रकार थे जो एक्सेसरीज के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। अगले हम आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा एक्सेसरीज हैंडबैग। हैंडबैग जो है, हैंडबैग एक तरह का बैग है जिसको अपनी जरूरत की वस्तु के रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहने का मतलब है कि हम अधिकतर जो महिलाएं होती हैं मेनली, जो वो अपने जरूरत की सामान को हैंडबैग में ही रखकर कैरी करती हैं, कहीं आना जाना हुआ तो उनको महत्वपूर्ण है उनके लिए हैंडबैग। और ये हैंडबैग जो है हमारे बहुत सारे मार्केट मिलते हैं, तो जान लेते हैं हैंडबैग के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा क्लच बैग। क्लच बैग आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा, क्लच बैग एक छोटा सा बैग होता है जो आसानी से अपने एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, जो है हम अपना मोबाइल फोन आसानी से सुविधा अनुसार रख लेते हैं और कैरी कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हमें अटेंड करना हो तो ये क्लच बैग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग महिलाएं बहुत जो है प्रयोग में लाती है, क्योंकि ये रखने में भी और कैरी करने में बहुत आसान होता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसके भी मार्केट में बहुत सारी वैरायटी आती है और बहुत सारे इसके डिजाइन हमें उपलब्ध मिल जाते हैं। ये क्लच बैग देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, हमारे ड्रेस को भी और खूबसूरती देता है, जिसके अकॉर्डिंग महिलाएं इसको ज्यादा पसंद करती हैं। अगला है हमारा टो बैग। टो बैग आप यहाँ पे देख रहे हैं, टो बैग तो थोड़ा बड़ा होता है, इसको आसानी से हम कुछ सामान या वस्तु, खाने पीने की चीज या मार्केट जाने के लिए हमें आसानी से इसको हम कैरी कर सकते हैं, और ये अधिकतर डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर में ये हमें बाजार में मिल जाते हैं। इनको हम आसानी से लेकर हमारे चाहे हमें कहीं यात्रा करनी हो, चाहे हमें स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या इसको आराम से सामान को रख लेते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे वो हमारी कुछ जरूरत की सामान हो, उसमें हम रखकर आराम से जो है कैरी करते हैं और हमें जो है इससे सुविधा होती है। तो ये हम अपने एक्सेसरीज की तरह यूज करते हैं जो हमारे मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के मिल जाते हैं। अगला है हमारा स्कूल बैग। स्कूल बैग आपने देखा ही होगा बच्चों में बहुत प्रचलित है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वे स्कूल बैग में अपना जरूरत की जो सामान है, बुक्स है, ये सारी चीजें कैरी करते हैं और जो है इसमें इनको सुविधा होती है। तो स्कूल बैग भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, जिसमें हम चाहे वो लेदर के बने हों, चाहे वो रैक्सीन के बने हों, चाहे वो फैब्रिक के बने हों, जिसकी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग वो स्कूल बैग का चुनाव करता है। और बच्चों में ये बहुत प्रचलित है, स्टूडेंट्स हो गया और कॉलेज जाने वाले बच्चों में भी स्कूल बैग का प्रयोग बहुत होता है, वे अपने संबंधित किताबें और जो भी संबंधित वस्तुएं हैं उसमें आसानी से कैरी करते हैं और जो है इसका प्रयोग करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारा लिफाफा नुमा बैग। यहाँ पे देखेंगे जो है लिफाफा नुमा बैग जो हमारा होता है, जो एनवलप की तरह आपको दिखता है। आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में कार्ड्स जो आते थे वो एनवलप की तरह उसी सेम उसी के प्रकार का होता है, जो आसानी से उसमें हम एटीएम कार्ड या मोबाइल फोन ये आसानी से रख सकते हैं और कैरी कर सकते हैं। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और ये हमारे जो ड्रेसअप को और अच्छा लुक देता है। ये महिलाओं द्वारा ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाने लगा है, क्योंकि ये जो है ये अट्रैक्टिव जो है जो लुक दिखाता है। हमारी अगर मॉडर्न ड्रेस है तो ये बहुत खूबसूरत लगता है,
जैसे गाउन वगैरह हुआ, तो ये आजकल जो है टीनेजर्स और महिलाओं के द्वारा ये प्रयोग में लाते हैं। इसको जो हमारा एनवेलप बैग है इसको भी हम मार्केट से आसानी से ले सकते हैं, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट साइज में, या डिफरेंट इसमें जो फैब्रिक होता है इसमें भी यूज होता है। तो ये बहुत आसानी से इसको हम कैरी कर सकते हैं और अपने ड्रेस को और खूबसूरत बना सकते हैं इस प्रकार के एक्सेसरीज को यूज करके। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमने किस प्रकार से जो हमारे बैग है इनको हमने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लेकर और उसके जो सुविधा अनुसार हम अपने चुनाव करते हैं एक्सेसरीज के रूप में और प्रयोग में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला एक्सेसरीज है फुटवेयर। फुटवेयर, फुटवेयर का मतलब होता है पैरों के लिए प्रयुक्त बाहरी कवरिंग से, जैसे जूते, चप्पलें इत्यादि। आपने देखा होगा कि अधिकतर हमारा जो ड्रेसअप होता है तो हम उसी के अकॉर्डिंग फुटवेयर्स का प्रयोग करते हैं, जो हमारी पैरों की सुरक्षा तो करता ही है और हमारे जो ड्रेसअप को वो और अच्छा खूबसूरत बनाता है। तो हमारे हमने देखा होगा कि महिलाएं अधिकतर जो है अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग, जैसे किसी महिला की हाइट कम है तो वो हील वाले फुटवेयर्स का प्रयोग करती है अपने अकॉर्डिंग, चाहे वो उनको जैसा कंफर्टेबल लगता है अपने अपने, चाहे वो सैंडल हो हील वाली, चाहे वो आपके बूट्स हो, जैसा उनका ड्रेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने जो फुटवेयर्स का प्रयोग करती है एक्सेसरीज के रूप में। इसी प्रकार हमारे पुरुषों में भी आपने देखा होगा कि वे स्पोर्ट्स वेयर या डिफरेंट टाइप्स के शूज का प्रयोग करते हैं जिसमें उनको सुविधा होती है, वो उस प्रकार के चॉइस रखते हैं, चाहे वो लेदर की चप्पलें हो, चाहे वो आपके कैजुअल वेयर में जो आते हैं शूज वगैरह, ये सारी चीजें वो अपने अकॉर्डिंग जो है ड्रेसअप के अकॉर्डिंग या अपने आराम सुरक्षा से संबंधित आरामदायक जो होते हैं उनके लिए उसका प्रयोग करते हैं एक्सेसरीज के रूप में। ऑफिस के लिए वो लेदर के शूज वगैरह जितने भी हैं तो ये उस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे फुटवेयर हैं वो हमारे फैशन के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेसरीज के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जो हमारी चॉइस होती है या हमारे द्वारा जो भी कंफर्टेबल हो या हमारे सुविधा अनुसार हो उसको हम प्रयोग में लाते हैं और अपने ड्रेसअप को और खूबसूरत बनाते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के शूज हैं और जिनका हमने प्रयोग किया एक्सेसरीज के रूप में। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला जो है एक्सेसरीज है वो आईवेयर है। आईवेयर, पहले आईवेयर मुख्य उद्देश्य के लिए पहने जाते थे लेकिन आज यह फैशन बन गया है, यह पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि आईवेयर जो है पहले अधिकतर जो है वो कुछ मुख्य उद्देश्य, यानी कि जिनकी कुछ आंखों में प्रॉब्लम होती थी या आंखों में कोई देखने में संबंधित कुछ ऐसी चीजें कोई परेशानी होती थी तो आईवेयर का प्रयोग करते थे लोग। लेकिन अब ये है फैशन के अकॉर्डिंग इसको ज्यादा प्रचलित हो गया है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो है आईवेयर आ गए हैं जिसको हम फैशन के अकॉर्डिंग प्रयोग में लाते हैं, चाहे वह धूप हो चाहे ना हो, ये हम उसको अपने जैसा ड्रेसअप है उसके अकॉर्डिंग या हमारा जैसा फैशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रयोग में लाते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो है आईवेयर है, चाहे वो धूप से बचने के लिए हो, चाहे वो डिजाइनर हो, चाहे वो किसी तरीके से हो, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सेसरीज के रूप में हम टॉवल्स का या आईवेयर का प्रयोग करते हैं। तो आईवेयर का प्रयोग हमने तो धूप से बचने के लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए करते ही है, साथ में हम स्मार्ट लुक लेने के लिए भी जैसा भी हमारा ड्रेस है उसके अनुसार करते हैं। आगे हमारा आईवेयर जो होता है ये कुछ मुख्य प्रयोजन के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है, जैसे आपने देखा स्विमिंग कॉस्ट जो होता है हमारा स्विमिंग करते समय ये मुख्य रूप से उसी के अनुसार बनाया जाता है ताकि हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करे पानी से और आराम से हम स्विमिंग कर सकें। तो ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिसको हम एक्सेसरीज की तरह यूज करते हैं। इसी प्रकार हमारे टेस्टेड चश्मे होते हैं जिनको हम अपने सुविधा अनुसार या हमारे स्टाइल के अनुसार टेस्टेड जो चश्मे होते हैं जो हाई वेयर्स होते हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इनको हम फैशन एक्सेसरीज की तरह यूज में लाते हैं, चाहे वो किसी भी मौसम के अकॉर्डिंग हो चाहे किस तरीके से हमारा जो ड्रेसअप है उसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो है हमारा एक्सेसरीज उसके बारे में जान लेते हैं।
अगला है हमारा ज्वेलरी। ज्वेलरी ज्वेलरी व्यक्तिगत आभूषण है, जैसे हार, अंगूठी, ब्रॉच, कंगन इत्यादि। आपको पता ही होगा कि जो ज्वेलरी है हमारी व्यक्तिगत आभूषण है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। और ये अधिकतर जो पुरुष है महिला है ओकेजंस में ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि जो तीज त्योहार होते हैं उसमें हम लोग ज्वेलरी का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं, चाहे वो धातु की बनी हो चाहे वह सिंपल हो। तो इसमें मुख्य रूप से जो भी है सारी चीजें हमारी आती हैं, अंगूठी, ब्रॉच, कंगन, इनका प्रयोग किसी जो है महिलाएं करती हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं, क्योंकि तो ज्वेलरी के भी प्रकार हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इनका प्रयोग करते हैं। पहला है हमारा फाइन ज्वेलरी। फाइन ज्वेलरी आपने देखा होगा ये मुख्य जो है मुख्य रूप से शुद्ध धातु की बनी होती है, जैसे हमारे आपने देखा होगा महिलाएं किसी शादी या ओकेजन में इसका प्रयोग करती ही है, क्योंकि कुछ जो है हमारे संबंधित जो भी फेस्टिवल होते हैं उसमें मुख्य रूप से पहनना होता है, तो अधिकतर सोने चांदी जो चांदी के बने हमारे ज्वेलरी होती है मुख्य रूप से हम का प्रयोग करते हैं। तो फाइन ज्वेलरी उसी में आती है जिसमें हम मुख्य रूप से सोने चांदी या धातु जो कीमती धातु होती है उससे बने होते हैं। तो इसमें आप देख लेंगे डिफरेंट टाइप्स के हमारे चीजें आ जाती हैं जो आसानी से मार्केट में मिलती हैं, और महिलाएं अपने पसंद अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इसका प्रयोग में लाती हैं और इसको अपने द्वारा प्रयोग में एक्सेसरीज के रूप में भी करती हैं। इसके आगे हमारा ब्रेज ज्वेलरी। ब्रेज ज्वेलरी ये धातु और अन्य धातु मुख्य सोने चांदी में कुछ अन्य धातु को मिक्स करके बनाई जाती है जो है, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाती है और ये आजकल महिलाओं के लिए मुख्य पसंद बन गई है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से मार्केट में मिल जाती है, इसके दाम भी अच्छे हैं जिसकी वजह से महिलाएं ज्यादा पसंद करती हैं और आसानी से इसे मार्केट से खरीद कर अपने जैसे भी ड्रेस है, चाहे वो शादी पार्टी में जाना हो, भारी ड्रेस हो, चाहे नॉर्मली जैसे भी उनका ड्रेसअप होता है उसके अकॉर्डिंग उनका प्रयोग करती है और जो है अपने ड्रेसअप के अनुसार तैयार होती है। इसके बाद हमारा आता है कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। कॉस्ट्यूम ज्वेलरी भी जो है हमारी कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग होती है, जिसमें हमारे जैसे भी कॉस्ट्यूम होते हैं सेम मैचिंग की कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है। आप सामने देख सकते हैं इसमें किसी भी धातु का, जैसे आप जो है देखिएगा मोती है, चाहे किसी तरह के नग है, ये सारी चीजें इसमें मिक्स होती है, इसमें इस तरह की ज्वेलरी होती है। और ये फैब्रिक की ज्वेलरी भी होती है, चाहे वो रेशम की बनी हो, ये डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट्यूम ज्वेलरी होती है। इसका प्रयोग हम जो है मुख्य रूप से जो है बालिकाएं भी कर सकती हैं और महिलाएं तो करती हैं, लेकिन ये आजकल फैशन में बहुत ज्यादा है। इसका फैशन में प्रचलन इसलिए है क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है और मैचिंग के ड्रेस के अकॉर्डिंग बहुत खूबसूरत लगती है, तो हम इसको एक्सेसरीज के रूप में जो है बहुत प्रयोग करते हैं और ये आसानी से इसके दाम जो है बहुत कम होते हैं और महिलाएं आसानी से इसे खरीद सकती हैं। तो यहाँ पे जो है ये भी डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट जो है मटेरियल के बने होते हैं जिनको हम एक्सेसरीज के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे ज्वेलरी के प्रकार हैं, जिसमें हम फाइन ज्वेलरी, ब्रिज ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का प्रयोग करते हैं अपने एक्सेसरीज के रूप में, अपने ड्रेसअप के अनुसार, और उसी के अनुसार हम अपने जो है तैयार होते हैं और अपने जो ड्रेस को है और खूबसूरत बनाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो है ज्वेलरी है कैसे एक्सेसरीज का प्रयोग किया हमने। आगे बढ़ते हैं हम, हमारी अगली एक्सेसरीज है बेल्ट। बेल्ट जो है एक फ्लेक्सिबल बैंड होता है जो भारी कपड़े अथवा लेदर का बना होता है, इसे कमर के चारों ओर पहना जाता है। ये आप सभी जानते हैं कि जो बेल्ट होता है ये हम कमर पे पहनते हैं और ये अपनी सुविधा अनुसार पहनते हैं, चाहे वो जो है कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो चाहे वह पुरुष हो, ये अपने सुविधा के अनुसार जो है चाहे वो पैंट पहनते हो वो ट्राउजर पहनते हो, वे इसको एक्सेसरीज के रूप में प्रयोग में लाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो लेदर की बनी हो चाहे फैब्रिक की बनी हो रिलैक्सिंग की बनी हो, ये डिफरेंट टाइप्स की आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये आसानी से इसका प्रयोग करते हैं लोग अपने एक्सेसरीज के अकॉर्डिंग। और ये अधिकतर अब फैशन बन गया है जिसमें
जो है आजकल की स्टूडेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के, चाहे वो मूर्तियों का बना हो, बीड्स का बना हो, इस तरीके से प्रयोग में लाते हैं अपने एक्सेसरीज के अकॉर्डिंग और जो है अपने आप को और खूबसूरत बनाते हैं। इसी प्रकार हमारा जो हमने देखा कि बेल्ट को भी हमने किस तरीके से एक्सेसरीज के रूप में प्रयोग में लाते हैं और ये हमारे कितने काम आते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके ड्रेसअप के अकॉर्डिंग उनका प्रयोग हम किस तरह से एक्सेसरीज के रूप में करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा अगला एक्सेसरीज है स्कार्फ या मफलर अथवा गर्दन पर लपेटने वाले के नाम से भी जाना जाता है। यह गर्दन के चारों तरफ पहने जाने वाला कपड़े का एक टुकड़ा होता है। आपने देखा होगा कि पहले शॉल चलते थे जो काफी लंबे चौड़े होते थे और अधिकतर वो महिलाएं ही उसका प्रयोग भी लाती थी, जो हमारा पर्पज होता था ठंडी से बचने के लिए। पर अब ये उसी का रूप हो गया है छोटा, जिसे हम अब फैशन के रूप में लाते हैं और छोटे छोटे स्टॉल होते हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं, चाहे वो ड्रेस हो हमारा जैसा भी सिंपल ड्रेस हो, चाहे वो कैसा ड्रेस हो, उसके अकॉर्डिंग जो है महिलाएं इसको प्रयोग में लाती हैं। और अधिकतर ये आजकल हमारा मुख्य ड्रेसअप बन गया है, हमारे सर को हमारे चेहरे को प्रोटेक्ट करता है, इसको हम आसानी से उसको कवर कर लेते हैं अपने चेहरे को और इससे हमारे धूप से भी बच सकते हैं, धूल मिट्टी से भी बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारा अगला होता है स्टॉल। स्टॉल का भी यही प्रयोग होता है, जिसे महिलाएं हैं और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हैं ये बहुत मुख्य रूप से प्रयोग में लाते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में मिल जाते हैं और इनका भी प्रयोग हम चाहे वो स्टाइल के लिए हो चाहे धूप से बचने के लिए हो उनका प्रयोग करते हैं। हमारा अगला है हमारा मफलर। आपने देखा होगा कि मफलर जो है ठंडियों में प्रयोग किया जाता है, वूलन का बना होता है और ये अधिकतर पुरुषों के द्वारा और महिलाओं और जो स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो दोनों इसको प्रयोग में करते हैं लाते हैं और ये फैशन एक्सेसरीज की तरह इसको प्रयोग में लाते हैं। जिस तरीके से हमारा ड्रेसअप है उसके अकॉर्डिंग उसको मैचिंग करके हम अपने आप को तैयार करते हैं और स्मार्ट लुक देते हैं। तो ये हमारे जो स्टॉल हैं ये भी बहुत जो है मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का ओकेजन हो और चाहे वो कैसा भी मौसम हो उसके अनुसार इसको हम प्रयोग करते हैं और अपने ड्रेसअप को और खूबसूरत बनाते हैं। तो हमने देखा कि ये एक्सेसरीज हमारे लिए कितनी मुख्य रूप से काम करती है, हमारे जो है चेहरे को भी प्रोटेक्शन करती है और हम उसको स्टाइल्स भी बना देती है हमारे ड्रेस को। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो एक्सेसरीज है ये कितने प्रकार का था और इसका किस किस प्रकार से हम किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते ही रहते हैं और ये जो है हमारे द्वारा फैशन के अकॉर्डिंग और जो है जिस तरीके से हमने ड्रेसअप है उस अकॉर्डिंग किया, हमारी जो भी हमारी च्वाइस है उसके अनुसार हम इसको प्रयोग में लाते हैं और ये मार्केट में आसानी से जो है मिल जाता है। और चाहे हम सिल्क का लें, फैब्रिक का लें, वुलन का लें, ये डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में उपलब्ध है। इसके सारांश में हम जान लेते हैं। उप सहायक फैशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को अलग पहचान दिलाते हैं तथा या किसी भी अवसर जैसे शादी, पार्टी, औपचारिक मीटिंग सभी जगह इसका प्रयोग हम पूरे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कहने का मतलब है हम फैशन एक्सेसरीज का मुख्य रूप से जो है प्रयोग करते हैं अपने आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए और ये जो है हमारा अतिरिक्त तत्व है जिसको हम किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाते ही रहते हैं। इसके संदर्भ में आप फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की पुस्तक ले सकते हैं जो नीतू आजाद रमन के द्वारा लिखित है, इसे आप लेकर गहन पठन पाठन कर सकते हैं। आज मैंने आपको फैशन उप सहायक के विषय में प्रशिक्षण प्रदान किया, आशा करते हैं या भविष्य में आपके मददगार होगा। धन्यवाद।